बैंक के तीन मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद बैंक की सरगर्मियों को रोक देने का वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेडपल्ली टाउन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में तीन मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जिसके बाद ओहदेदारों ने बैंक की सरगर्मियों को रोक दिया और बैंक में केमिकल के छिड़काव को अंजाम दिया। वाजरे की रियासत में फिर एक मरतबा कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ है। तीन दिन कबल करीमनगर जिले के एक गाँव में 37 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जो एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। PSRTC की बसों से शहर हैदराबाद में आलूदगी में इजाफा हो रहा। शहर में पुरानी बसों से कसीर धुएं का अखराज हो रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ हवा में आलूदगी हो रही बल्कि शहरियों की सेहत भी मुतासर हो रही। RTC बसों से होने वाली हवाई आलूदगी पर एक मोटरिस्ट के सर्वेयाना ने कहा है कि बसों की वजह होने वाली आलूदगी का एक अहम सबब उनको बेहतर अंदाज में न रखना है। स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अजय ने कहा है कि मैंने कई RTC बसों को सड़कों पर धुआं छोड़ते हुए चलते देखा है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे। इससे जल्द की एलर्जी में इजाफा होता है, बाल झड़ते हैं और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। ये शहरियों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और हमने पुलिस से दरख्वास्त की कि आलूदगी पैदा करने वाली बसों को जब्त किया जाए और उन पर चालान आयद किए जाए। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।